الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة ولا قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين سبحانك तमाम तारीफें उस खुदाए अली अज़ीम के लिए जिसने कायनात को बग़ैर किसी मिन्नत व एहसान के खल्क फरमाया और तमाम हदिया दुरूद व सलाम उन अज़वाज़ मुक़द्दसात के लिए कि जिन्होंने बग़ैर किसी मिन्नत व एहसान के इंसान को खुदा तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआन अल अज़ीम وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عزم الله وجورنا ووجوركم بمصابنا بالحسن عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد سامعين گرامی قدر حاضرین ذوی الاحترام سفر المظفر کی آج 7 تاریخ और आठवीं शब इस एतबार से सिलसिले मजालिस की ये आखिरी नशिस्त उनवान इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम फिल कुरान और चूँकि इसी तारीख को निगाहों में रखते हुए पिछले चंद सालों से इमाम मुश्तबा की ज़ात मुक़द्दस के बारे में अनामीन रखे जा रहे थे कि सफ़र की 7 तारीख बाज़ रवायतों की रोशनी में इमाम की तारीख शहादत, जबकि हमारे दरमियान 28 सफ़र 2 मासूमीन की शहादत का उनवान मजालिस से अदा मुनक़िद की जाती हैं, एक अल्लाह के हबीब और एक इमाम मासूम इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम। लेकिन अरब में, ख़ास तौर से अरब में सफ़र की 7 तारीख इमाम मुश्तबा की तारीख शहादत के तौर पर मनाई जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि तारीख कोई मनाइए, मगर मनाइए ज़रूर, इसलिए कि इमाम का हक हमारी गर्दन पर ऐसे कि जैसे किसी बायअत करने वाले का होता है। हम इमाम की बायअत के अंदर हैं और लफ्ज़ बायअत का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बिक जाए किसी के हाथ पर, बाय माने खरीदो फरोख्त,
और जो एक दफ़ा बिकेत हो जाएगा बाई अर्थ, तो हम मासूम के हाथ पर बिके हुए और इमाम अलैहिस्सलाम का हक हमारी गर्दन पर है, उनकी विलायत के एतबार से, उनकी इमामत के एतबार से। तो चाहे समझ में आए कि ना आए, या तो मज़हब छोड़ दें या फिर बैत के जो तमाम ज़िम्मेदारियां हैं उसको अदा करें। इसलिए एक ज़िम्मेदारी को बयान करना लाजिम था कि इमाम मौसी काज़िम अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत। तो अरब में ये दोनों बातें ऐसे जमा की जाती हैं कि वो शब में मीलाद मना लेते हैं और दिन में इमाम की शहादत मनाते हैं। शब सात में मीलाद और रोज़े सात में मौला की शहादत, तो कोई हरज नहीं, मना सकते। और इसमें बहरहाल जहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची उसके एतबार से हर साल एक जुमला आपकी खिदमत में कहा करता हूँ कि 2 महीने 8 दिन हुसैन हुसैन, तो कोई दिन तो ऐसे भी हों जो हसन 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 कहे जाए। कोई तो ज़माना ऐसा मुअय्यन कीजिए जिसमें इमाम की शख्सियत के बारे में सवाल और जवाब मुमकिन हो, गुफ्तगू मुमकिन हो। और इसी एतबार से सरकार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में क़ुरान में कहाँ कहाँ मौला का तस्करा आया, ये बात याद रखें। मैं इससे पहले इशारा कर चुका कि दो एतबारात हैं, एक मुश्तरका आयात हैं, एक मखसूस आयात है। मुश्तरका आयात का मतलब कि जहाँ आले मोहम्मद सब के सब जमा किए गए फ़ज़ाइल के और पैगामात के एतबार से, और एक सिलसिला आयात हो गए जहाँ पर मखसूस मखसूस आइम्मा का तस्करा किया गया। इसमें से पहला मकाम सूरह मुबारक रहमान में मरजल बहरैन यल्तकियान, जब दो समंदर आपस में मुलाकात करते हैं, बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, तो उनके दरमियान एक हिजाब रहता है जो एक दूसरे पर वो गालिब नहीं आ पाते। फयख्रुज मिन्हुमा अल्लुलू वल मरजान, और इन दो समंदरों के मिलने से खुदा दो नेमतें अता करता है, एक को मरजान कहते हैं एक को लुलू कहते हैं। तो यखरुज मिन्हुमा लुलू वल मरजान, लुलू से मुराद और मरजान से मुराद, बरज़ख से मुराद और बहरैन से मुराद, पूरे पंजतन के नाम जमा किए गए। बहरैन से मुराद दो समंदर, तो समंदर पानी के मिले तो कौन सा कमाल है? कमाल तो जब खुदा वंदे कमाल का कि जब दो ऐसे समंदर मिलें कि एक समंदर विलायत हो एक समंदर इस्मत हो, तो एक को अमीरुल मोमिनीन कहें एक को सैयद निसाइल आलमीन कहें, जब दोनों सरदार मिलें तो बहर कहना सलवान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, इन दोनों की सरहदें इतनी तूलानी हैं कि बीच में अगर कोई हद फासिल ना हो तो ना बहरे विलायत को समझना मुमकिन है ना बहरे इस्मत को समझना मुमकिन है। इसलिए बीच में बरज़ख को उनवान दिया ख़त्मी ये मर्तबत अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जहाँ तक अल्लाह के हबीब ने विलायत को बयान किया विलायत वहाँ आकर मुकम्मल हुई, और जहाँ तक अल्लाह के हबीब ने इस्मत को बयान किया इस्मत वहाँ पर आकर मुकम्मल हुई। तो बीच में बताने वाले को मुस्तफ़ा कहते हैं और जिसे बताए उसे मुर्तदा और सैयदा कहते हैं। तो आयत का तर्जुमा और ये तावील का अंदाज आपकी खिदमत में। फिर परवरदिगार ने एहसान किया फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के बाद फरमाया यख्रुज मिन्हुमा अल्लुलू वल मरजान, और इन दोनों से तुम्हारे लिए दो नेमतें निकलती हैं, एक का नाम लुलू लुलू पत्थर है। मरजान के बारे में इख्तलाफ कि मरजान पत्थर है, मरजान समंदरी पौधा है या मरजान कोई कीड़ा वगैरह है। अब इसकी समझ में जैसी हो, पत्थर समझ में आए कीड़ा समझ में आए
समंदरी पौधा समझ में आए, जब खुदा गरोह जिन और इन से बात कर रहा है तो क्या पत्थरों की बात करेगा, क्या समंदरी पौधों की बात करेगा। बात यह है कि जिसको कुरान यहां तक समझ में आया उसका मसला यहां तक रह गया, और जिसको कुरान यहां पे समझ में आया उसके लिए बयान किया आले मोहम्मद ने तावीलात को। फरमाया अल्लुलु से मुराद बातें ने कुरान में इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम की जात है। तो मरजान से पहले कायनात को क्या मिला, लूलू मिला। और खुदा का एहसान है कि उसने हमें ऐसे मकतब से वाबस्तगी अता फरमाई कि लूलू भी हमें मिला और मरजान भी हमें मिला, क्योंकि बहरैन मिले बरज़ख मिला, तो जिससे मुस्तफ़ा मिले उससे मुर्तज़ा मिले, जिससे मुर्तज़ा मिले उसे सैयदा की मोहब्बत मिली, और जिससे ये तीनों नेमतें मिली उसे कभी हसन मिले कभी हुसैन मिले। यूँ समझिए परवरदिगार ने पूरा हुस्न जमाल ऐसे नाजिल किया कि हुस्न को समेटा तो हसन बना दिया, बिखेरा तो हुसैन बना दिया। तो हसन के मानने वाले भी और हुसैन के मानने वाले भी जितना हुसैन के नाम पे मजबूत हैं उतना हसन के नाम पे मजबूत रहेंगे। इस तरह मौला हुसैन की जंग को आप दिफा करते हैं, फाइट करते हैं कि यजीद गलत और बातिल था, हुसैन बरहक थे। ऐसे इमाम हसन की सुलह का दिफा कीजिए कि मौला हसन अल्लाहु अकबर बजाय अंगुश्त नुमाई के, बजाय सवालात और इश्कालात के पहले इमाम मान लें हसन को, और जब हसन की इमामत कबूल कर लें फिर जो हसन करें वो इमामत की बुनियाद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि आज सिलसिला मुकम्मल करना है तो ये बात वाजे हो जाए कि किस बुनियाद पर सुलह की शराइत याद कराई जाती है। जैसे मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप याद करें, क्या याद करें, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अशआर, जिम्मेदारी है याद करें। हम और आप क्या याद करें, खुतबा फिदकिया, अबू तालिब को समझें फिर फातिमा जहरा की इस्मत को समझें और उसके बाद आगे बढ़ें तो सरकार सैयदुल शहदा ने जो वसीयत में अपने खुरूज का मकसद लिखा, अपने क़याम का उन्वान लिखा, उसको याद करें। और इसी अंदाज से याद रखें सुलह की शराइत भी कि मौला हसन का मकाम क्या था। अल्लाहु अकबर। बनो उमैया ने जो किया तो किया, मौला के चाहने वाले कहाँ तक पहुँचे, बस इतना पहुंचे कि हसन सब्स कबा, बस और क्या मकाम था, जो आगोश मादर में लेट कर लोहे महफूज का मुताला करे। अल्लाहु अकबर। जो आयात इलाहिया की तर्जुमानी फातिमा जहरा के सामने करे, ले मुस्तफा से पहुंचाए फातिमा को, उस वसीले को हसन कहते। और जब मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे और आप नाजिल होने वाली उस दिन के आयात के बारे में बात किया करते थे, ना भी सैयदा फरमाती थी हाँ ये आयात नाजिल हुई है, तो मौला फरमाते थे क्या आपको मालूम हो गई, ये सब समझाने के लिए और नहीं, सब के सब एक ही हैं। तो इर्शाद फरमाती थी हाँ हसन आते हैं मस्जिद से और आने के बाद सारी आयतें जो आज नाजिल हुई हो सब आके सुना देते हैं। अल्लाहु अकबर। तो खुदा सुनाए जिब्राइल को, जिब्राइल पहुंचाए मुस्तफ़ा को, और मुस्तफ़ा से लेकर हसन पहुंचाए फातिमा जहरा को। फिर मेरे मौला को शौक हुआ, इर्शाद फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे हसन की आवाज़ सुनूँ, और उस दिन अपनी तमाम नाफला नमाजें छोड़कर जैसे रसूल के बिस्तर पर सोने के लिए आपने रात की मुस्तहब नमाजें छोड़ दी, ऐसे अपने हसन की बातें सुनने के लिए अली ने मुस्तहब नमाजें छोड़ दी।
हसन से पहले घर आ गए, वरना तूलानी सजदे मौला के, अल्लाह अकबर, पहुंच गए और आप आकर पसे पर्दा बैठ गए। और जब हसन घर में आए, माँ को सलाम करके आयात सुनाना शुरू की, तो आपकी जुबान में लुकनत महसूस हुई। ये तर्जुमा किया है अरबी से उर्दू का, मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन ये ना मेरे और आपके समझने की बात है, ना बयान करने का मौका है। ये ज़माने का इमाम बताएगा कि हसन की ज़ुबान कितनी फसीह थी। बस ये समझिए कि एक आदाब और तहजीब सिखानी थी आले मोहम्मद की जाने वालों को। तो कह जब माँ ने पूछा कि बेटा आज क्या बात है, फसाहत तो बलागत में फ़र्क है, तो इर्शाद फरमाया, मुझे लगता यह है जो बगैर देखे अपने बाबा के वजूद को पहचान रहा, मुझे लगता यह है कि मेरा कोई बुजुर्गवार मेरी आवाज़ सुन रहा है। अल्लाहु अकबर। तो पसे पर्दा बैठकर हसन की बातें सुनना, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, वही कान जो कभी सुनते थे मोहम्मद की बातें, आज सुन रहे थे हसन की बातें। क्या मकाम है मेरे मौला का, और कितनी मुश्किलात और परेशानियां थी मौला के साथ। तो एक तो कुरान में ये मकाम, लोलू वल मरजान में लोलू से मुराद इमाम मुश्तबा की ज़ात मुकद्दस। दूसरा मकाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, इत्तकुल्ला, अल्लाह की बारगाह में तकवा इख्तियार करो। वो आमिन व रसूल ही, और अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर आओ। युक्तकुम किफ्लैन मिन रहमते, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के दो हिस्से अता करेगा। यहाँ पर तफसीर अहले बैत में किफ्लैन मिन रहमते, एक किफ्ल है हसन, एक किफ्ल है हुसैन, रहमत के दो हिस्से तुम्हें मिलेंगे अगर तकवा इख्तियार करो और रसूल पर ईमान ले आओ। और अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा नूर करार देगा जिसकी रोशनी में चलोगे। तो नूर से मुराद ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब, खलवात पढ़े मोहम्मद। तो मेरे मौला की ज़ाते मुकद्दस किफ्लुन मिन रहमते, रहमत का एक हिस्सा। कितने मेहरबान थे कि हज पे जा रहे थे, और हज पर जाते हुए बहुत मशहूर रिवायत पढ़ रहा हूँ, और शायद कि आज की मजलिस के लिए ख़ास तौर से पढ़ रहा हूँ, कि बारगाह मासूम में खाली मौजज़ात पढ़ने का नाम नहीं, मौजज़ात समझने का नाम है, और तवस्सुल चाहिए। मासूम की शख्सियत, वैसे तो इमाम मुश्तबा का ख़ास उन्वान रसूल खुदा के साथ, जनाब सैयदा के साथ, और इमाम हसन और इमाम हुसैन, चार शख्सियात ख़ास तौर से इताअत खुदा के लिए, रज़ाए इलाही के लिए और अमर आखरत के लिए वसीला करार दी गई। अगर आप चाहते हैं कि इताअत इलाही हो, रज़ाए खुदा हासिल हो, आखरत के मामलात आसान कर हो जाएं, तो इन चार से तवस्सुल कीजिए। कभी कहिए या मुस्तफ़ा, कभी कहिए या सैयदा, कभी कहिए या मुश्तबा, कभी या शहीद करबला। लेकिन हमारी और आपकी तमाम तर कोशिशें से दुनिया के हवाले से, आखरत तो अपनी है, पक्की है, तो छोड़ दीजिए मौली साहब, यहाँ मसला हल कैसे होगा। तो यहाँ के मसाइल के हल के लिए भी इमाम मुश्तबा के नाम का दस्तरखान, ये तरीका है खिलाने का, तुम खिलाओगे तो आएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, कुछ समझते हैं कि बचाएंगे तो आएगा, नहीं, लुटाएंगे तो आएगा। और तरीका है कि इंसान खुदा की राह में जितना खर्च करता है, खुदा उससे ज्यादा अता करता है। जब बंदा बंदा होकर खर्च करे तो रब रब होकर कितना अता ना करेगा। तो इमाम की शख्सियत के बारे में ये वाकया हजार हा मरतबा आपने समाज फरमाया हो,
लेकिन सोचिएगा। और फिर आज दस्तरखान, आज ना कर सके तो फिर 28 सफर दस्तरखान मौला के। क्या करना चाहिए? अब दस्तरखान पे हम तकल्लुफात बहुत करते हैं कि सब कुछ होना चाहिए, हरी मिठाई हो, हरे फल हो। मौला सिर्फ हरा हरा नहीं खाते थे, मौला सिर्फ हलाल और तैयब खाते थे। तो कबला रंग कोई भी हो, रंग विलायत मुसलमान पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे वो आइम्मा के हवाले से बात, हमारे दोस्तों ने अजीब काम किए कि जिस इमाम को जिसमें जहर दिया गया उसी फल को लगा दिए ताबूत के ऊपर। आपके यहाँ उठता है अंगूरी ताबूत? अब मुझे बताएं ईमानदारी से, अगर अंगूरी ताबूत आप उठाते हैं अंगूर के नाम से, तो अंगूर में तो इमाम को जहर दिया गया था, वो अंगूर कैसे खाएंगे आप? वो अंगूर कैसे खाएंगे? अजीब बात नहीं? यानी मस्जिद में जाना तो आपको अच्छा लगता नहीं है कि मस्जिद में मौला शहीद किए गए, और अंगूर सजा के बैठे सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे जवानों को तो अच्छे लगते हैं कड़े पहनना जो मौला को पहनाए गए। अगर ऐसा ही उनवान हो जो मौला को पहनाए गए थे वो पहने हुए हो, और जहाँ मौला शहीद किए गए वहाँ जाते हो घबराते नहीं हो, जैसे कड़े पहन सकते हो ऐसे मस्जिद में आ सकते हो। तो बात तो अंगूरों की थी। तो मौला का रंग सब्ज नहीं है, अलबत्ता सब्ज रंग का इशारा ज़रूर है, और अगर सब्ज रंग समझ में आ जाए तो बात बहुत आगे बढ़ जाए। क्या मतलब? क्या मतलब? बड़ा आसान सा है। सब्ज रंग ये अलामत है आबादी और शादमानी की, ये अलामत है। जहाँ खुश्क हो जमीन और सब्ज़ा ना होता हो वहाँ आबादी कहाँ रुक पाती है, और जहाँ सरसब्ज शादाब हो वहाँ बाग होता है और बाग पे जन्नत कहलाता है। तो हसन सब्ज कबा का मतलब जन्नत से आने वाले लिबासों में एक लिबास का रंग सब्ज और एक का रंग सुर्ख। तो सुर्ख लिबास पसंद किया मौला हुसैन ने, और सब्ज लिबास पसंद किया मौला हसन ने। बस यही मुनासिबत है, इसके अलावा नहीं है। ऐसा ना हो कि मौला के दस्तरखान में आप सब तलाश करें। मैं फिर कहता हूँ, दस्तरखान बिछाओगे तो घर सर सब तो शादाब हो जाएगा। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद। बात वाजे हो रही है? तो दस्तरखान आज बिछाइए अगर मुमकिन है, जो आपकी हैसियत हो, जो आपकी हैसियत हो। रिस्क हलाल और तैयब से एक रोटी हो, आधी रोटी हो, नमक हो, प्याज हो, पानी हो। ये नजर व नियाज जायके का नाम नहीं है, ये तो खलूस कल्ब का नाम है। वरना सूखी रोटी मौला के हाथ से मिले तो खाएंगे आप? फिर तो नमक पानी नहीं खाए जाते मजलिस के, सूखी रोटी कैसे खाएंगे? अल्लाहु अकबर। तो अपने आप को जरा सा करीब कीजिए कि निस्बत को देखिए, जायके को मत देखिए। दस्तरखान अपने घर में बिछाने का तरीका इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुकद्दस में दुआए तवस्सुल, तिलावत कुरान जितना कर सकें, हदिया पेश कीजिए, और दुरूद की तस्बीहात पढ़ ली जो पढ़ सके। उसके बाद ये दस्तरखान लगा कर मौला से कहिए, मौला आप कल भी करीम थे और आज भी करीम हैं, और इस मजलिस से अज़ा का वास्ता कि जहाँ बैठ के हमने जिक्र सुना है, मौला मेरे घर में रिस्क और बरकतें ऐसी उतार दीजिए कि मेरा हाथ जो तंग हो गया वो खुल जाए। बात वाजे हो रही है? तो ये तो मसला है इमाम के इसमें गिरामी मुकद्दस के हवाले से। और चूंकि मैं बात कर रहा था कि मेरा मौला इतना अता करने वाला, आप अगर आधी रोटी इमाम के नाम पे खिलाएंगे, आधी रोटी
एक लुकमा, एक बाइट सिर्फ, अगर आपकी इतनी हैसियत है खुलूस कल्ब के साथ, प्रेस के हलाल तैयब के साथ, तो इमाम के लिए एक गोसफन, एक बकरी जिबा की थी उस बूढ़ी औरत ने। पहले तीन शख्सियात हैं खानदानी बनी हाशिम की, एक मौला हसन, एक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, और एक जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर, इब्ने जाफर तैयार। और तीन शख्सियात में इन तीनों के लिए उस खातून ने क्या किया, पीने के लिए बकरी का दूध फराहम किया, और जब खाने की ख्वाहिश हुई तो उसी एक बकरी को ज़िबा कर दिया, उसका गोश्त बना के इन तीनों शख्सियात को खिला दिया। अजीब बात है, कभी तो हाथ उठाते हैं आसमान से आ जाता है, कभी दीवारें मस्जिद सुतों ने मस्जिद से हाथ लगाएं तो वहां से दूध और शहद मिला हुआ निकलने लगे, कभी चाहें तो दस्तरखान पर बगैर किसी मादी वसाइल के आ गए, और कभी अंदाज ऐसा हो कि बूढ़ी खातून को अपने घर की बकरी जिबा करना पड़े तब खाना खाएं। ये तमाम तरीके अता के हैं, कभी दिखाने का और है, कभी अता का और है। आपका मकाम ऐसा कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं, बल्कि कबूल करते हैं अता करने के लिए। बेशक, बात समझाऊं आपकी खिदमत में, कबूल करते हैं अता करने के लिए, अपनी एहतियाज की बिना पर नहीं। आले मोहम्मद को आपकी नजर नियाज नहीं चाहिए, वो तो कबूल करते हैं आपको अता करने के लिए। अल्लाहु अकबर। जैसे ईद के मौके पर बच्चों का सलाम कबूल करते हैं ईदी देने के लिए, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बूढ़ी खातून ने अपना पूरा सरमाया जो था उसके पास, वो एक बकरी थी, उसको पालते थे, उससे गुजारा करते थे, ज़िबा करवा दी। और अब ये तीनों शहजादे ये कहकर चले गए कि जब कभी मदीने आना तो हमारे पास आना, हम आपकी खिदमत करेंगे। तीनों चले गए। जब शौहर घर पे आया, देखा बकरी मौजूद नहीं, कहा क्या वो बकरी को, तीन मेहमान आए थे। अल्लाहु अकबर, मार्फत नहीं है, इन तीनों ने अपनी पहचान नहीं करवाई। बात तो ये, अगर पहचान के किया तो फिर लालच में किया, तो कहीं मार्फत मतलूब है, कहीं मोहब्बत मतलूब। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यार सोचिएगा ना कि अगर पहचान के करती हो खातून तो ये सोच के करती ना कि ये तीनों बड़े हैं, कुछ मिलेगा, लाओ ये भी खिलाओ, लाओ वो भी खिलाओ, लाओ ये भी खिलाओ, नहीं पहचानती नहीं। और ना इन तीनों शख्सियात ने अपना नाम बताया, कमाल है, ना नाम बताया। ये सिर्फ मेहमान की एक इज्जत, इत्तफाक से मेहमान कौन है, मैं इत्तफाक कह रहा हूं अपनी जुबान पर, इंतजाम से मेहमान कौन है। इत्तफाक तो मेरे और आपके मसले में हो सकता है, खुदा के यहां तो इंतजाम होता है। तो ये तीनों शख्सियात खुदा की तरफ से हुज्जत करार पाए, दो शख्सियात हुज्जत, एक उनके घर के फर्ज। और अब तीनों चले गए, अब शौहर और ये जब बिल्कुल फाकों की नौबत आ गई तो किसी ना किसी तरह मदीने पहुंचे। अभी भी भूल गए, वो तीनों मेहमान भूल गए, नेकी करो कुएं में डाल दो। आजकल के नेकी करो फेसबुक पे डाल दो, फेसबुक भी कुआं बन गया। ला हौला वला कुव्वत, ये कुआं नहीं है, ये हमारी नेकी वो खा जाने वाला है। फिर हम देखते हैं कितने व्यूअर्स सलवार पड़े हुए होंगे। छोटे छोटे बच्चे मुकाबला कर रहे हैं कि जी मैंने पोस्ट डाली थी, इतने व्यूअर्स हो गए, आपकी पोस्ट पे कितने हुए, मुकाबला शुरू हो गया। तो कल का जमाना और था, नेकी कर
कुएं में डाल, तो नेकी करके भूल गए। अब ये भूल जाएं, ये इनका मसला है। इसके साथ नेकी हुई वो नहीं भूलेगा। अगर कोई आले मोहम्मद के साथ नेकी करे तो शायद हम भूल जाए, आले मोहम्मद नहीं भूलते। किसी वक्त में आपने खुलूस कल्ब के साथ एक बार दुरूद पढ़ा हो, आप भूल गए पढ़कर, वो नहीं भूलेंगे। किसी वक्त में आपने खुलूस कल्ब के साथ एक बार या हुसैन कहा हो, आप भूल गए, वो नहीं भूलेंगे। बात वाजे हो रही है। तो ऐसे में ये तीनों शख्सियात जब पलट के मदीने में थी, और वो दोनों मियां बीवी बूढ़े और गलियों में घूम रहे, इमाम हसन ने देख लिया। आपको अंदाजा है कि अगर कोई और हो मुझ जैसा, सोचेगा यार ये वही आ रहे हैं, चलो इधर मुंह कर लो। अपनी बात कर रहा हूं, इसलिए कि एहसान का बदला एहसान से चुकाना है। एहसान लेना आसान है, एहसान का जवाब देना आसान नहीं है। हमारा सलाम हो वो मुंह मोड़ते नहीं हैं, बल्कि मुश्किलात का मुंह मोड़ देते हैं। और इमाम ने, वो जा रहे थे, इमाम ने मुलाजिम गुलाम को भेज के बुलवाया, रिवायत का जुमला, और फिर याद दिलाया, याद नहीं आ रहा था, पहचानिया हमें, हम कौन हैं, आप होंगे। अल्लाह हू अकबर, इतनी अदम मार्फत है, ना वहां पहचानी ना यहां पहचान। खातून, फरमाया हम वही जो तुम्हारे घर में मांग हुए थे, और अब हम चाहते हैं कि हम आपकी खिदमत करें। 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। अल्लाह हू अकबर, कभी सोचिएगा बैठ के अकेले में, 1000 बकरियां होती कितनी है। मैं क्यों कह रहा हूं बात यह कि फजाइल सुनना और फजाइल को महसूस करें, कि अगर कोई खुलूस कल्ब से मौला पर एक बकरी कुर्बान करे, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक बाइट भी इमाम के नाम पे खिलाएंगे, एक रोटी खिलाएंगे इमाम के नाम, जवाब में क्या मिलने वाला है। 1000 बकरियां इमाम ने, 1000 दिरहम दिए। मैं पूछता बोला, बकरी के जवाब में तो आपने बकरी अता कर दी, दिरहम क्यों दिए? सलवात पढ़े वहां आपके जहन में सवाल शायद आया हो। मैं समझता हूं कि 1000 दिरहम देने के दो मकसद हो सकते हैं। एक तो ये कि उनका रोजगार जरिए माश बकरी था, तो माश के जरिए जो उनको पैसा हासिल हो सकता था उसको आपने कंपनसेट किया। सेकंड, आपने पैसे क्यों दिए कि 1000 बकरियां कैसे ले जाएंगे वहां तक? अल्लाह अकबर। तो ट्रांसपोर्टेशन के मद में इमाम ने 1000 दिनार दिरहम दिए, और उसके बाद फिर भेजा नहीं, फरमाया कि ले जाओ इन्हें हुसैन के पास ले जाओ। ये मौला हुसैन के पास पहुंचे, अल्लाह अकबर, इनका दामन तो मौला हसन ने भर दिया। तो दस्तरखान ऐसा बिछाओ कि नाम हसन भी हो, नाम हुसैन भी हो। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि वो अलग अलग कर देते हैं कि ये चौथे इमाम का पांचवें शामिल नहीं होंगे, ये सातवें इमाम का इसमें आठवें और शामिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे और आपके, हमारे और आपके बुजुर्गों का एक अंदाज है, ठीक है, याद करने का अलग अलग, लेकिन बताएं ईमानदारी से, जब आप दुरूद का दस्तरखान सजाते हैं, सबको शामिल करते हैं, दलवार पड़े हुए,
याद दिला दूं आपको, हर इमाम का दुरूद अलग अलग भी है। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये तो बहुत शॉर्ट, बहुत मुख्तसर, मुकम्मल मगर मुख्तसर। हर इमाम की ज्यारत के साथ हर इमाम का मखसूस दुरूद है, जैसे मखसूस नमाज है, जैसे मखसूस अय्याम है, जैसे मखसूस तारीखें हैं, जैसे मखसूस तस्बीहात हैं, जैसे मखसूस हिर्ज हैं, जैसे मखसूस हिजाबात हैं, ऐसे मखसूस दुरूद भी हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 इमामों के हर एक के अलग अलग दुरूद। समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मान लिया, उठाएं किताबें खोलें, सब सब लिखा हुआ, और लिखा हुआ आज का नहीं है, जब से तालीम दिया गया तब से लिखा हुआ। बल्कि उलमा ने तो दिन को 12 साअतों में तकसीम किया, सूरज निकलने से लेकर और सूरज डूबने तक 12 साअतें हैं, और हर इमाम की एक साअत को मखसूस किया उस इमाम के नाम के साथ, और उस साअत में मखसूस दुआ तालीम दी गई उस इमाम के नाम से। तो बात यह कि हम अगर समझना चाहें तो एक अंदाज ये है, वरना सिर्फ हदिया पेश कर रहे तो किबला फिर एक मासूम के लिए क्यों, फिर चहारदे मासूमीन के लिए। पर खाली एक जुमला आपकी खिदमत में, लोग यहाँ के परेशान होते हैं कि 12 इमाम में से 12वें इमाम जिंदा हैं, उनके लिए फातिहा होगी या नहीं होगी? तो जो 11 को मुर्दा मानता हो उससे मेरी कोई बहस विवाद पड़े मोहम्मद नहीं है। जो 11 को भी जिंदा मानता है तो 12वें की हयात, और क़िबला फातिहा पढ़ने के लिए मर्रा होना शर्त नहीं है। जो मर जाते हैं मर्दूद ना उन पे होती फातिहा ना दुरूद। बस मैंने बात तमाम की आज, इख्तिसार के साथ बात मुकम्मल करना थी। वहाँ से बकरियाँ मिली, दिरहम मिले, मौला हुसैन से मिले, और उतने ही एक रिवायत में या उससे दुगना अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने दिए। यानी मैं समझता हूँ कि रिवायत में दुगना मिला तो शायद इसलिए कि ये दोनों का सदका भी दिया होगा। अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने दोनों शहदादों का सदका भी दिया होगा। अल्लाह अकबर, बहुत मजलूम है मेरा मौला। और आज हम भाई को भाई का पुरसा देने के लिए बैठे, और मौला अब्बास के अलम के साए में आज मौला अब्बास को उनके बड़े भाई का पुरसा देने के लिए बैठे। कितना मुश्किल वक्त होगा कि जब मदीने में वो कयामत टूटी थी कि रोजे के आलम में मेरे मौला का दिन तमाम हुआ, और जब अफ्तार का वक्त हुआ तो बाज़ रिवायात अफ्तार बताती हैं, बाज़ बताती हैं रात का वक्त था, और इमाम ने जौदा बिनत अशअस से तलब किया था पीने के लिए पानी या दूध का शरबत, और जौदा बिनत अशअस ने हाकिम शाम के भेजे हुए जहर को इतना मिला दिया था, इतना शदीद तर मिला दिया था अल्लाहु अकबर, कि मेरे मौला ने एक जुर्आ ही नोश फरमाया था कि जहर ने अंदर से असर करना शुरू किया। इतना शदीद जहर था कि मौला का कलेजा कटने लगा, वाह गुरबत वाह मोहम्मद, और इतना शदीद जहर का असर था कि इमाम ने अपनी बहन से बर्तन तलब किया, बर्तन में आपके दहन से खून उगलता था, खून निकलता था, और खून के साथ साथ जिगर के टुकड़े निकलते थे। वहाँ गुर्बता में सोचता हूँ किसी का मरने के बाद जिगर निकाला जाए, वो अमीर हमजा है जिसका जीते जी जिगर निकाल दिया जाए।
रोने वालों जिगर से खून के आंसू रोना और है और जिगर का कट के निकल जाना और मेरा माला चेहरे का रंग तब्दील हो रहा था, शायद इसलिए भी सब्ज़े कमा कहते हैं। ये मेरे माला के रंग का तब्दील हो जाना रंगे सब्ज में बयान किया गया। अरे घर में फरियाद वाह मोहम्मद वाह मुश्तबा वाह हसना। रोने वालों सब के सब लोग जमा हैं, मौला के करीब हैं, मौला सबको सीने से लगाए हुए हैं। हाय कभी बच्चों को बुलाते हैं, कभी बड़ों को बुलाते हैं। मौला हुसैन का अजीब हाल है, रोते जाते हैं, अरे पछाड़े खाते जाते हैं ऐसे में। मौला हसन फरमाते थे भैया ना रोइए, भैया हम अगर चले गए तो हमें गुस्लो कफन आप अपने हाथों से देंगे, लेकिन ला यौमा का भैया हुसैन आप पर ऐसा दिन आएगा जो किसी पर नहीं आया। अरे हमें तो कफन मिल जाएगा लेकिन आपका जिस्म में गोरो कफन रह जाएगा। हमारा जनाजा तो आप उठा लेंगे लेकिन भैया तेरे जनाजे पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अजरकुम अल्लाह। रोने वालों मेरा मौला वसीयतें कर रहा था। अरे कासिम को बुलाया, कासिम की माँ को बुलाया और बुलाने के बाद एक तहरीर लिखकर कासिम की माँ के हवाले की। उम्मे फरवा इसे कासिम के बाजू पर बांध दो और कभी अलग ना होने देना, कभी ऐसा ना हो कि तहरीर कहीं और हो बेटा कहीं और हो। और उम्मे फरवा अगर कोई दिन ऐसा आए कि तुम्हें उसका कोई हल दिखाई दे मुश्किलात का तो ये तावीज खोल लेना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। वाह मोहम्मद। अरे कासिम अपने बाबा पे कुर्बान हुए जाते थे, कभी बाबा के रीशे मुबारक से खून को साफ करते थे, कभी बाबा का तवाफ करते थे। रोने वालों मेरे मौला की आंखें बंद हो रही हैं, मौला की बेटियां फातिमा फरियाद कर रही हैं, मौला की बेटियां खदीजा, मौला की बेटियां फरियाद कर रही हैं। ऐसे में आंखें बंद हुई मेरे मौला की, अरे जनाजे को तैयार किया हुसैन ने रोते रोते। और अब जो जनाजा बरामद किया गया, अरे जा रहे थे जाने में रोजे रसूल के रोका गया कि यहाँ लेकर ना जाओ, ये तो मेरा हुजरा है। अल्लाहु अकबर। इमाम रोकते रह गए, हम दफनाने नहीं लाते, हमें तो तवाफे रोज़े रसूल कराना है। नाना से मुलाकात नवाजे की मगर ना सुना जालिमों ने। अरे इतने तीर बरसाए गए एक जनाजा रंगीन हो गया। आए सब सुर्खे कफन में रह गया। रोने वालों आखिरी जुमला बस जैसे ही पलटा के लाए, बहनों का अजीब आलम था। अभी तो भाई को तैयार किया, जनाजा उठाया था, अब क्या हो गया। मैं कहूंगा शहजादियो अरे तीर निकाल लीजिए, आज हाथ खुले हुए हैं, कल करबला का मैदान होगा, एक और भाई होगा जिसमें इतने तीर मारे जाएंगे। लेकिन बीवियों हाथ बंद होंगे, तीर निकाल القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الله واسطة محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا، میرے مالک تمام تر عزاداروں کی جو مشکلات و پریشانیاں ہیں بحق حسنین انہیں دور فرما، وسعت رزق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک سرکار امام مصطفیٰ علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما،
جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما, مولا کے قاتلوں پر دشمنوں پہ اپنے عذاب شدید کو نازل فرما. پہلا واسطہ محمد و آل محمد کا روز قیامت ہم سب کو مولا حسن و حسین کی شفاعت نصیب فرما, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. یہ فرش ادا بچھانے والے, یہ تمام پر خدمات کو انجام دینے والے خانوادے کی تمام پر توفیق آپ خیر میں اضافہ فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پیغام حق پہنچانے کے لیے نالج گیٹ وے کے تمام ذمہ داران کی توفیق آپ میں اضافہ فرما. سورہ فاتحہ کی التماس سیدہ فرحت فاطمہ, سیدہ امیر فاطمہ, سید طفیل حسین نقوی, مقدسہ خاتون, حسین جعفری, ظہیر اختر, حامد حسین, اختر حسین, عزادار حسین, صدیقہ خاتون, ناظم نیاز بانو, اختر سلطانہ, سید خورشید حسین زیدی, سید روشن علی زیدی, تہذیب زہرا, سید رضا عابدی, سید حیدر رضوی اور شوکت حسین, معصوم حسین, اعجاز حسین اور فہمیدہ سلطانہ جعفری, محسن حسین رضوی اور محمود رضوی اور افتخار فاطمہ اور مقصود فاطمہ, ان تمام کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے اور مولانا حسن کے تمام خالص اصحاب کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بجاه رحمتك وعليم المعصومين, برحمتك يا ارحم الراحمين.